साफ है। देखने दीजिए कौन सा मशीन रख दीजिए। आप लोग हाथ पकड़ लीजिए। चलो चलो चलो। जगह नहीं है कहीं। धीरे धीरे पीछे से मरा आगे से ढक्कन वाला नहीं रखे आप लोग। एक निकालिए बढ़िया वाला। इसका ढक्कन कहाँ लगेगा? उतना छोटा ढक्कन लाया। वो तो बढ़िया निकालिए इसको। अभी ढक्कन करके करिएगा। मरेगा ना छठा में है। पेचकस है भैया आपके पास? दीजिए कैमरा में क्या करिए। बहुत ही खतरनाक साफ है। लेके आइए ये, लेके आइए जार, लेके आइए जार। ये लंबा वाला जार निकाल ले दें। कहीं देखें ये वाला डिब्बा है ना? ना उसमें नहीं आएगा, उसको अलग ऐसा वाला, ऐसा वाला। ये तो कॉमन करेट है भाई। हाँ कॉमन करेट है। देखिए जूम करिए कैमरा को। दूसरा डिब्बा आ गया भाई। अब बहुत बिग साइज है। बिग साइज का करेट है। इसे हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही खतरनाक सांप है। ये अगर रात में काट ले आपको, इसका मूवमेंट सिर्फ रात में ही। ये रात में काट लेगा आपको, ऐसा एहसास होगा जैसे कोई मच्छर काटा है। ऐसा आपको एहसास होगा जैसे कोई मच्छर काटा है आपको। आप खुजला देंगे ना, वो जलन खत्म हो जाएगा और रात में आदमी कोमा में चला जाएगा। हाँ, कोबरा से 7 गुना ज्यादा जहर इसमें रहता है। आइए अब इसको रेस्क्यू करते हैं। भागेगा थोड़ी है। चिंता लीजिए। बिग साइज कोबरा से जहर ज्यादा जहर है। देखिए कितना बिग साइज है। यही है कॉमन क्रेट स्नेक। इतना बिग साइज है। देखिए इतना बड़ा बिग साइज आप देखे ना कभी? ये अगर रात में काट ले आपको सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कहाँ जाइएगा? ओझा गुनी झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में ना रहे हैं, वरना मारा जाइएगा। वो सब इसमें हेमोटॉक्सिक नाम का जहर पाया जाता है, जो बहुत धीमा धीमा मध्यम मध्यम करके चलता है। और इसे मारे नहीं वो। आप लोग भाई मत होइए, उधर रहा है। 5000 रुपया दाम होगा। उसको लॉक कर पड़े उसको उठा। लेकिन
लाइए ये लाइए छिड़ा करने के लिए बिछा वो ओकरा में पेचकस ले पेचकस इसे ला एकरा से वही देखा था इसका मूवमेंट है लेट नाइट समझे ये सिर्फ रात में ही निकलता है और इतना खतरनाक होता है देखिए इसको हवा देने को दे रहे हैं और बड़ा नहीं है हां भैया हां जी बड़ा बड़ा मुंह वाला हवा लगता है घुस जाएगा दो चार अरे अरे करेट मतलब करेट सांप है कोबरा कोबरा बाबा इसमें कोबरा से 7 गुना ज्यादा जहर इसीलिए तेज होता है इसका गद्दा है जहर ना 7 गुना ज्यादा तेज होता है कोबरा से एक बूंद जहर में कोबरा के एक बूंद जहर में 25 लोगों की जान जा सकती है तो सोचिए कि इसके एक बूंद से कितने लोगों की जान जाएगी डबल डबल कम से एक बूंद में 100 लोगों की इतना तेज जहर है इसका भैया मोटा पेशेंट लेके आइए जिस तरह बोलते हैं ना स्विच पॉइजन वैसे ही है उसमें छेदा किया भैया ओ भाई थोड़ा बड़ा मुंह वाला दो इसको ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन के लिए छटपटा रहा है सही बता रहे थे इतना बड़ा है साथ साथ आप सही बता रहे थे देखिए ये भाई साहब के दुकान में यही भाई साहब के दुकान में निकला है ये हमारे भाई साहब सूचना पाते हुए सब काम को छोड़ के आए हुए हैं बंगला में बंगला में इसे बोलते हैं जानते हैं ना संखचिती संखचिती जानते कि नहीं आप लोग शंख का दाग है हाँ इसको बंगला में संखचिती बोला जाता है इसमें जितना दाग है उतना पॉइजन है बहुत ही ज्यादा जहर है इसमें बहुत ही ज्यादा जहर हमारे तो कनिया में दुकान है खाने शंख का दाग है Doesn't even matter I had to fall to lose it all But in the end It doesn't even matter I tried so hard And got so far But in the end I tried so hard And got so far इसका साइंटिफिक नेम है वैज्ञानिक नाम बंगरस ये बहुत ही हाईली वेनमस स्नेक है बहुत ही जहरीला सांप है ये अब बिग साइज करेट है बहुत ही जहरीला सांप है अभी इसको हम निकाल के बाहर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं इसके बारे में इसे हम रिलीज करने आया यहाँ पे नीचे उतरे एकदम बढ़िया फोटो यही है कॉमन क्रेट स्नेक वैसे तो शर्मीले किस्म के स्वभाव के होते हैं ये ऐसे है ये शर्मीले किस्म के स्वभाव के होते हैं मगर रात में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं क्योंकि इनका मूवमेंट ही है रात में ये कॉमन क्रेट तो आप इसे प्राकृतिक प्रवेश में बचे रहने दें सांप कोई भी हो जहर वाला हो या बिना जहर वाला तो आप कृपया इसे मारे नहीं प्राकृतिक प्रवेश में बचे रहने दें सांपों का बचे रहना हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ठीक है तो सांप आप मारे नहीं
सांप को बचे रहने दो। हाथों की तरफ बढ़ रहा है अभी, हम इसे छोड़ रहे हैं फिर इसे अभी रुक लिया तो इसे आप मारे नहीं, ठीक है छोटा। तो ये हमारे प्राकृतिक परिवेश में इसे बचे रहने दे, या इसके प्राकृतिक परिवेश में बचे रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के जहरों से, इन्हीं के जहर से महंगी महंगी मेडिसिन बनती है जो हमारे काम आता है। इनका बचे रहना परिवेश में बहुत ज़रूरी है। ये इको बालिंग सिस्टम बना के रखते हैं, तो आप कृपया इसे मारे नहीं, ऐसे हम अब बिना देरी किए इसे प्राकृतिक परिवेश में रिलीज करते हैं, ठीक है। ये बिस्निक रिलीज हो चुके हैं, ये हमारे बाइकों की तरफ आ रहे हैं। तुम ही बिच्छू को चराओ बेटा। आप देख सकते हैं कि ये अब रिलीज हो चुका है और ये जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इसे जाने देते हैं, हम लोग कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं।